नमस्कार, मैं श्वेता सिंह, स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम समाज के सरोकारों की बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं और आप तक लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं बिपिन रावत, उत्तराखंड क्रांति दल प्रचार सचिव। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपकी अगर मैं परिभाषा में बात करूँ तो प्रगतिशील राजनीति क्या होगी? क्या आपकी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल प्रगतिशील राजनीति समाज में लेकर आएगी? हाँ, सबसे पहले मैडम मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था वो पहाड़ के विकास के लिए हुआ था, तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश से जो 1980 में हमारे पहले विधायक जो आए थे माननीय जसवंत सिंह बिष्ट जीत के, तो उन्होंने पहले ही उत्तराखंड राज्य की एक परिक्रमण कर दिया, उत्तराखंड का ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया था कि हम अलग राज्य बनाएंगे और उसी के आधार पर उत्तराखंड क्रांति दल केवल पहाड़ की सोच रखता है। जिस तरह से मैं पहाड़ की आपने अभी बात की और मैं भी पहाड़ के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट करना चाहूँगी कि अभी भी पहाड़ जो है वो डेवलप नहीं है, विकास उनका नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं धरातल पर विकास अछूता रह गया है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ, हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं कमी है और जनता को है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है और पलायन की भी यही एक कहीं ना कहीं वजह है। तो इसके लिए आपकी पार्टी किस तरह से काम करेगी? हमारा मैडम ये है कि पहाड़ में आज भी भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल ये तीन मैदानी जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से बिल्कुल भिन्न है, और पहाड़ में उत्तराखंड क्रांति दल का जो मैनिफेस्टो में हमने बोला भी है और इसको रखेंगे भी कि उत्तराखंड का जो पहाड़ के हमारे जनपद उनमें छोटे छोटे जनपद, पहाड़ में अभी भौगोलिक परिस्थिति बहुत बड़े बड़े जनपद हैं और एक दूसरे से टच में बहुत कम रहते हैं और जो विकास की किरणें अभी बहुत दूर कोसों दूर है, बहुत कुछ अभी पहाड़ के लिए होना है, जैसे स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, इससे दूर छोटे छोटे, जब तक पहाड़ में छोटे छोटे जनपद और ब्लॉकों का गठन नहीं किया जाए तब तक विकास आगे होना थोड़ा टफ है। महिलाओं के लिए आपकी क्या नई प्लानिंग्स होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए नियम तो बना दिए जाते हैं, कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी रह जाता है। वहीं अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, महिलाओं को नगर पंचायत में 50% 33% है उसको लगभग हम 50% करेंगे और पंचायत में 50% तो महिलाओं के लिए आरक्षण है ही। इसी तरह से नौकरियों में भी जो सरकारी नौकरी में या अर्धसरकारी जो भी संस्थाएं या कंपनियां हैं उनमें 50% तो महिलाओं के लिए रखेंगे और 80% पूरे युवाओं के लिए, उत्तराखंड में 80% होना ही चाहिए, जबकि आज तक मांग उठी 70% 80% स्थानीय युवाओं के लिए, लेकिन जो नौकरी में भी वो 50% महिलाओं के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में होना ही चाहिए। युवाओं की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस वक्त बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आज के युवा और उत्तराखंड के युवा सड़कों पर है, तो आपकी अगर पार्टी आती है तो बेरोजगारी को आप किस तरह से देखेंगे और क्या आपकी नई योजनाएं होंगी जो आप रोज़गार के लिए उत्तराखंड में लेकर आएंगे? हाँ, आपने ये बात तो सही की कि प्लेन में तो कुछ थोड़ा बोल रही, लेकिन पहाड़ों में आज भी बेरोजगारी हो, आज भी हमारे पहाड़ के लोग चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक अपने मैनिफेस्टो में हम डाल भी चुके हैं और अगर एक थोड़ा एक मैनिफेस्टो एक के बाद भी आना है उसमें ये लगाएंगे कि पहाड़ में जो सरकारी सरकारी विभाग उनमें लगभग अलग पहाड़ के लड़कों को शिफ्ट किया जाए, उन्हें रोज़गार शिक्षा दी जाए, उन्हें अगर स्वरोजगार की योजना भी हो तो उन्हीं को सब्सिडी पे उन्हें लोन दिया जाए, उनकी सब्सिडी के लिए जैसे सब्जी का उत्पादन करना हो, मशरूम का, इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं के लोग होगी, 80% पहाड़ के लोगों को लड़कों के लिए होगी, और उनको बैंक से भी उनको रियायत दर पे, एक सरकार से हम सरकार आई तो हम बैंकों से भी उन्हें रियायत दर पे ऋण उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आजकल की राजनीति की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं जनता जो है पार्टी को वोट देखकर वोट करती है, ना कि बजाय प्रत्याशी को देखकर, ये कितनी हद तक सही है और आप उसको कितना सपोर्ट करते हैं कि जो वोट है प्रत्याशी को ना देखकर पार्टी को देखकर वोट किया जाए? हाँ, ये आपका कहना सही है कि आजकल जो बड़ी पार्टियाँ उनमें प्रचार और संसाधन हमसे अधिक होते हैं, जिससे लोग प्रत्याशी को कम देखते हैं और ईमानदार प्रत्याशी या जुझारू प्रत्याशी अगर प्रचार प्रसार में धीमे या अपने संसाधनों में थोड़ा पीछे तो पीछे रह जाता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि पार्टी के साथ साथ पार्टी तो जो भी है लेकिन जनता को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, किस पार्टी का, और पार्टी प्लस कैंडिडेट दोनों के आधार पर वोट देना चाहिए। पार्टी भी होना चाहिए कि किस पार्टी ने कितना संघर्ष किया, कुछ पार्टी राज्य हित में काम कर रही है, प्लस कैंडिडेट। वंशवाद जो है राजनीति में कोई आम बात नहीं है, तो आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं? और अगर
ये वंशवाद आगे चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो हमारा देश या हमारा राज्य किस ओर आगे बढ़ेगा और विकास कितना होगा? वंशवाद की राजनीति प्रदेश के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। ये वंशवाद की राजनीति जिन नेताओं नेताओं को जनता अपने वोट से सबक सिखानी चाहिए कि वंशवाद नहीं चलेगा। अगर कोई वंशवाद पिता और पुत्र दोनों मैदान में खड़े तो दोनों को हरा देना चाहिए जनता को। वंशवाद की राजनीति तो खत्म ही होनी चाहिए, प्रदेश के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड क्रांति दल की, तो किस नई दिशा की ओर या उत्तराखंड क्रांति दल है वो काम करेगी, और क्या क्या नई लहर है और क्या नई योजनाएं हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आती है तो लेकर आएगी? सबसे पहले तो हमारा ये, अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आए तो स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की राजधानी पहाड़ में होगा तो चौधरी विकास होगा। और हमारा मैनिफेस्टो में भी सबसे पहले है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में, उत्तराखंड राज्य की गैरसैंण में होना चाहिए। और जो भी स्वास्थ्य सुविधा ढांचा इन्हें ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर तो हो ही रहा है, लेकिन ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर पर भी स्वास्थ्य और शिक्षा के ढांचे व्यवस्था को सुधारा जाएगा। आपने भी बात की कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में और गैरसैंण को राजधानी आप बनाएंगे, लेकिन पहाड़ की राजधानी अभी भी 6 महीने के लिए जो है गैरसैंण है, वहाँ पर विधानसभा भी बना दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास वहाँ पे अभी भी अछूता है, विधानसभा सत्र भी वहाँ होने के बजाय यहाँ होते हैं। तो इसको सिर्फ राजधानी बनाने से ही विकास नहीं होगा, बल्कि ये योजनाएँ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना ज़रूरी है, तो इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो मैडम, आपको ये मैं बता देना ना, हम सरकार में नहीं हैं, जिस दिन सरकार में आएंगे पहले ही हम साल भर के अंदर अंदर सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे पहाड़ में, कि जो राजधानी के आसपास होना चाहिए, रोड होनी चाहिए, बिजली, स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधा, उसके बाद राजधानी तो जाएगी। जब राजधानी जाएगी तो स्वतः विकास होगा। वहाँ पर पहले ही ये सरकार बहुत पैसा खर्च लगा चुकी है, 80 करोड़ का विधानसभा भवन चुका है, लेकिन उसके दो दो राजधानी को चाहते ना, और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। यदि हमारी सरकार आई तो हम उसको डेवलपमेंट करेंगे। आपने अभी कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं काफ़ी पैसा खर्च कर चुकी है, तो क्या जनता का पैसा इस तरह से खर्च करना, क्योंकि ये जो पैसा है वो जनता के टैक्स के द्वारा ही आता है, तो क्या जनता का ये जो पैसा है उसको इस तरह से प्रचार प्रसार में खर्च करना, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, ये तो जो भी राष्ट्रीय पार्टी, जो भी दल आए सत्ता से, 20 साल इन दोनों दलों को हो गया बारी बारी से, लेकिन इन्होंने जब भी जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। और दो दो राजधानी बनाने के लिए लूट खसोट का काम है कि इधर भी राजधानी बनाओ इधर राजधानी, बाकी इन्हें जनता के सरकार से कोई लेना देना नहीं है। स्थायी राज आज भी पहाड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, और स्थायी राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल की अगर मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आपका प्रचार प्रसार अभी पहाड़ों में उस तरह से नहीं है, तो इसके लिए आप किन योजनाओं के तहत वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और कितना आपने अभी तक कर दिया है? हाँ, ये तो मैडम हमको, हम आपको पहले भी बता दूँ, मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ कि हमारे कुछ प्रत्याशी पहले से ही घोषित थे बहुत सी सीटों पर। मैं ऐसे बता दूँ, जो हमारे भी इनके भाजपा और कांग्रेस के बराबर संसाधन तो है नहीं, लेकिन हमने पहले ही 1.5 साल 2 साल 3 साल से पहले बहुत से प्रत्याशी मैदान में लगे और डोर टू डोर घर जा रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, जिनकी सूची जारी नहीं हुई, लेकिन अधिकतर करने घर डोर टू डोर कन्विंस करे और सीमित संसाधनों से हम लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जैसे कहीं ना कहीं ये जो हमारी मुहिम है, आईपा की ये जो मुहिम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपको हमारी ये मुहिम कैसी लगी? आईपा चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये छोटे से दल और बड़े और निर्दलीय प्रत्याशी, गरीब प्रत्याशी, सब प्रत्याशी की बात उठा रही है और अपने चैनल में रख रही है। आईपा का जो भी ये आपकी मुहिम है, आप ये स्वागत योग्य, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके बहुत बधाई के पात्र। तो कहीं ना कहीं विपिन रावत जी साफ कहते हैं कि विकास होना बेहद ज़रूरी है, पहाड़ों में जो है विकास अभी भी अछूता है, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी है जनता के पैसों को प्रचार प्रसार में, ये जनता के पैसों को का जो ये जो टैक्स है वो प्रचार प्रसार में खर्च करती है, तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर विकास करना है तो विकास की तरफ ही ध्यान दिया जाए, ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।